हेलो गाइस एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एसके। और आज हम बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तीन क्वेश्चन हैं लेकिन जवाब एक ही है। वो तीन क्वेश्चन क्या है? तीन क्वेश्चन हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टीपी और एमपी में रिलेशनशिप क्या है। ये तीन क्वेश्चन हैं, तीनों का एक ही जवाब है। तो वो जवाब क्या है देखते हैं। इस सवाल का एक जवाब है, वो जवाब है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और ये क्या चीजें समझना पड़ेगी। माय डियर, मैं शुरुआत करता हूं बात की। हमें कोई भी चीज बनाना हो तो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बनाने के लिए हमें फिक्स्ड फैक्टर चाहिए और वेरिएबल फैक्टर चाहिए। प्लांट और मशीनरी फिक्स्ड फैक्टर है, और यदि आप बात करते हैं रॉ मटेरियल की, लेबर की, ये सब वेरिएबल फैक्टर है, राइट। तो आप इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि आप बात करें कि एक शॉर्ट रन में, एक कम टाइम में, शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर तो चेंज नहीं कर सकते, आप प्लांट और मशीनरी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लेबर चेंज कर सकते हैं, आप जो रॉ मटेरियल है वो चेंज कर सकते हैं। तो यदि आप फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कम टाइम में आप चेंज कर सकते हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट है, मशीनरी और प्लांट जो है वहीं की वहीं है। और यदि आप वेरिएबल फैक्टर को कम या ज्यादा करें तो प्रोडक्शन पर क्या असर होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? यही रिलेशनशिप बताना है हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं कि मशीनरी और प्लांट वो शॉर्ट रन में एक जैसी है, तो मैं उनको एक यूनिट बोल देता हूं, एक यूनिट। तो वो एक यूनिट ही है, आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास प्लांट और मशीनरी जो है वो उसकी एक ही यूनिट है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट यदि आप बात करें वेरिएबल फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर जैसे कि रॉ मटेरियल है, लेबर है, कोई भी एक को ले लेते हैं हम, मान लिया मैंने कि लेबर ले लेता हूं। अब आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जा रहे हैं या लेबर को आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो लेबर को बढ़ाने से क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बट लेकिन क्या हमेशा बढ़ता ही रहेगा? नहीं, एक लेवल तक बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि आप लेवल बढ़ाते गए, 1 2 3 आप लेवल बढ़ाते गए, तो आपको जो प्रोडक्शन होना है वो शुरुआत में जिस जो व्यक्ति आपने पहली बार रखा है उससे, मान लेता हूं कि मैं आपके यूनिट का आपको प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे व्यक्ति जो आप रखेंगे उससे आपको प्रोडक्शन उससे ज्यादा का होगा, 50 यूनिट का होगा। फिर तीसरे व्यक्ति जो आप रखेंगे उससे आपको प्रोडक्शन दूसरे व्यक्ति से भी ज्यादा मिलेगा, मैं मान लेता हूं 20 का होगा। ऐसा क्यों? ऐसा हम देखते हैं, पर इससे पहले देखें कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो एक लेबर होने पर हमारे पास 10 यूनिट का है, दो लेबर हो गए तो 10 और 50 25 यूनिट का है, और 25 और 20 45 यूनिट का है, राइट। यानी कि हमने फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखे और वेरिएबल फैक्टर हम बढ़ाते गए, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता गया और बढ़ने की रेट जो है उसकी, बढ़ने की रेट भी जो है इंक्रीजिंग है, पहले 10 से बढ़ा 15 से फिर 20 से, तो बढ़ने की रेट भी जो है वो इंक्रीजिंग है। अब ऐसा क्यों हो, ये मेन बात है। ये ऐसा इसलिए होता है कि मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। आप एग्जांपल तौर पर मान लीजिए आपका प्रिंटिंग का कारोबार है, प्रिंटिंग प्रेस, आप जो है पैम्फलेट बनाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, अपना फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, तो आपका प्रिंटिंग का कारोबार है, तो प्रिंटिंग के कारोबार में आपके पास मशीनरी तो जो है वही की वही है। अब आपने एक लेवल रखा, मान लीजिए अब एक लेवल रखा, लेकिन वहां पर तीन काम होते हैं। अब तीन काम कौन से होते हैं? तीन काम में पहला काम है आपका प्रिंटिंग करना, कटिंग करना और कंप्यूटर चलाना। अब एक व्यक्ति है वो तीनों काम कर रहा है, कटिंग भी, प्रिंटिंग भी और आपका कंप्यूटर भी चला रहा है। तो अब एक व्यक्ति तीनों काम में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग अलग काम करेगा, तो एक तो टाइम भी वेस्टेज होगा, उसके अलावा वो तीनों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो तीनों काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे। जब आप दो व्यक्ति रखेंगे तो एक व्यक्ति हो सकता है कंप्यूटर के लिए एक्सपर्ट हो, तो उसको कंप्यूटर पर आपने बिठा दिया,
उसको आपने कंप्यूटर पर बिठा दिया और जो पहला व्यक्ति था वो कटिंग और प्रिंटिंग संभाल रहा है। तो आप देखिए आपके पास जो टाइम जो वेस्ट हो रहा था चेंज होने में वो भी कम होगा, और जो कंप्यूटर पर एक्सपर्ट बैठा हुआ है, पहले जो व्यक्ति बैठा था वो इतना एक्सपर्ट नहीं था, अब वो व्यक्ति को पर्टिकुलर काम करके एक्सपर्ट हो गया है, स्पेशलाइजेशन हो गया उसका, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। तो आपको प्रोडक्शन क्या होगा पहले वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में अब ज्यादा मिलेगा, पहले लेवल के कंपैरिजन में अब ज्यादा मिलेगा। थर्ड व्यक्ति आपने वो रखा तो अब क्या होगा, एक प्रिंटिंग करेगा, एक कटिंग करेगा और एक कंप्यूटर का वर्क करेगा। अब तीनों तीन काम कर रहे हैं, तीनों तीन काम कर रहे हैं, तो तीनों का स्पेशलाइजेशन हो गया, तीनों एक्सपर्ट वाले, जो कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर अच्छे से आता है वो कंप्यूटर चलाएगा, जिसको कटिंग अच्छे से आती है वो कटिंग का काम करेगा, और जिसको प्रिंटिंग अच्छे से आती है वो प्रिंटिंग का काम करेगा, राइट है। तो तीनों अपना स्पेसिफिक काम करेंगे, जैसे आप मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क, राइट, तो वो स्पेशलाइजेशन के साथ यदि काम करेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ेगा। तो यानी कि जो थर्ड व्यक्ति आपने रखा उससे आपको और बढ़ता हुआ प्रोडक्शन मिलेगा, यानी थर्ड व्यक्ति से आपको 20 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, तो ओवरऑल आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ती हुई रेट से बढ़ रहा है। पर लेकिन क्या ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही चलेगा क्या, बढ़ता ही रहेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। एक लेवल पर पहुंचने के बाद, इस लेवल को पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बोलते हैं, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल पर आ जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, इसके बाद इसका उल्टा होगा, जो चीज ऊपर गई है वो चीज नीचे भी तो आएगी, जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो कॉन्स्टेंट है ही, अब आप और वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहे हैं, आप लेवल और बढ़ाते जा रहे हैं, आपने लेवल बढ़ाई 4, 5, 6, 7, आप और लेवल बढ़ाते गए, तो लेवल बढ़ाने से क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा? नहीं, प्रोडक्शन ओवरऑल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने की जो रेट है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो थर्ड व्यक्ति से आपको 20 का प्रोडक्शन हुआ था, फोर्थ व्यक्ति को लाने से आपको प्रोडक्शन 10 का ही होगा, फिफ्थ व्यक्ति को लाने से, जो फिफ्थ लेबर आप ला रहे हो, फिफ्थ लेबर को लाने से आपको 5 का ही होगा, ये मैं अंदाजा दे रहा हूं। और यदि आप और व्यक्ति बढ़ाएंगे तो आपको 0 का प्रोडक्शन होगा, और यदि आप और व्यक्ति लिखाएंगे तो उससे आपको प्रोडक्शन जो है माइनस में चला जाएगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलने वाला प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 45 and 10, 55, 55 and 5, 60, 60 and 60, 60 and 0, 60 minus 5 to 55। यानी कि देखिए आप, यहां तक की जो पिक्चर थी वो बिल्कुल अलग थी, यहां से पिक्चर थोड़ी सी अलग अलग हो गई है, और यहां के बाद फिर और अलग हो रही है। अब इसमें आप चीज देखेंगे कि इस लेवल तक तो प्रोडक्शन बढ़ते गया या बढ़ती हुई रेट से मिलता गया, लेकिन इस लेवल के बाद में प्रोडक्शन जो है घटती हुई रेट से मिला, बढ़ा तो सही लेकिन उसकी जो बढ़ने की रेट है वो डिक्रीजिंग है। अब ऐसा क्यों, ऐसा देखिए आपके पास तीन लोग थे, तीन लोगों, एक प्रिंटिंग, एक जो अपना टाइपिंग कर रहा था, और एक कटिंग कर रहा था। अब आप एक और व्यक्ति हायर करेंगे, अब एक और व्यक्ति हायर करेंगे तो वो आपको ज्यादा क्या करेगा, वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, उसके हेल्प करने से उतना प्रोडक्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि तीनों अपना स्पेसिफिक काम कर रहे थे। अब एक और व्यक्ति यदि हेल्प भी करेगा तो उससे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो वो 10 मिनट से मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। फिर आप एक और व्यक्ति है उनको आपने हायर किया, अब इसके पास तो स्पेसिफिक काम तो है नहीं, अब स्पेसिफिक काम नहीं है तो ये और थोड़ा सा सपोर्टिंग वाले, हेल्प वाले काम करेगा, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन इसकी वजह से बढ़ जाएगा। पर आप यदि एक और व्यक्ति हायर करेंगे तो अब उसका कोई यूज ही नहीं है, राइट, तो आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कोई भी बढ़ावा नहीं होना, मतलब एक लेवल पर पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल, इससे ज्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है, आपकी जो मशीनरी है, जो प्लांट है, वो तो वही का वही है। आप लेबर बढ़ाते जाओगे तो कोई प्रोडक्शन एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगा। अब उससे भी ज्यादा यदि आप हायर करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है वो माइनस में चलने लग जाएगा। क्यों माइनस चलने लग जाएगा, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मशीनरी तो आपकी वहीं की वहीं है, प्लांट आपका वहीं की वहीं है, आप जो है लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। अब लेबर को आप यदि आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी 5 से 6 लेबर ऑलरेडी थे, है ना, और आपने एक और को बढ़ाया तो क्या होगा, आपस में मिलकर के बातचीत करेंगे, और भैया कैसे हो, क्या चल रहा है, अरे आप इधर हो जाओ, मैं इधर कर लेता हूँ, मैं इधर हो जाता हूँ, उधर कर लेता हूँ,
यानी कि मिसमैनेजमेंट होगा और वो मिसमैनेजमेंट की वजह से आपका प्रोडक्शन जो है मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, राइट। तो ये हम फाइनली कंक्लूजन निकाला कि यदि आप विद फैक्टर को कांस्टेंट रखें और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाए तो आपको जो प्रोडक्शन है एक लेवल तक तो बढ़ता हुआ मिलेगा, राइट। यानी कि ये हो गया, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट फेज। फिर ये जहां जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो रहा है वहां पर, जहां पर हाईएस्ट है वहां तक, तो ये हो गया आपका सेकंड फेज। और इसके बाद वाला जो फेज है उसको हम बोले वो है थर्ड फेज। ओके, अब फर्स्ट फेज में मेन बात क्या है, देखिए फर्स्ट फेज के टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, और इंक्रीज होने की रेट क्या है, बढ़ते हुए रेट से बढ़ रहा है, राइट। पहले 10 से, फिर 15 से, फिर 20 से, तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट, विथ इंक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। देखिए आप इसका रेट जो है वो आप देखेंगे कि रेट क्या है, रेट दरअसल मतलब रेट यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए पहले बढ़ते हुए था, अब घटते हुए 10, 5, 0, अब डिक्रीज होते हुए, लेकिन बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट, अब टोटल प्रोडक्शन आपका 60 से 55 हो गया, यानी कि टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन, या डिक्रीजिंग, तो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन आपका जो है डिक्लाइन हो रहा है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट फेज में मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज, सेकंड फेज मार्जिनल प्रोडक्शन सॉरी फर्स्ट फेज मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज और मार्जिनल प्रोडक्शन गोज ऑन नेगेटिव। तो इन तीन फेज में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो तीन फेज हैं, इस एसी फेज का, एसी का ही नाम हो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ये कर सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेज दैट व्हेन वी कीप फिक्स्ड फैक्टर कॉन्स्टेंट एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, फर्स्ट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, देन टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन वी कीप फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट एंड वेरिएबल फैक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, देन मार्जिनल, फर्स्ट मार्जिनल प्रोडक्शन विल इंक्रीज, देन मार्जिनल प्रोडक्शन विल डिक्रीज, देन मार्जिनल प्रोडक्शन विल गोज ऑन नेगेटिव, राइट। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है वो ये आपने देखा। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पर है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब सबसे बेस्ट लेवल जहां पर आपको सबसे ज्यादा जो है मार्जिनल प्रोडक्शन मिल रहा है, सबसे ज्यादा जिस रेट से प्रोडक्शन मिल रहा है, राइट। और हाईएस्ट लेवल जहां पर आपका टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट होगा वो लेवल होगा जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा, राइट। अब इसको यदि हमें ग्राफ के थ्रू प्रिंट करें, देखिए एक मिनट में करना है, आपने ग्राफ बनाया, मैं इसको जल्दी से बना रहा हूं कि जैसे कि आपने देखिए अभी मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, मैंने मार्जिनल प्रोडक्शन लिया और ये इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो रहा है, वो जीरो माइनस में जा रहा है, तो मैं एक लेवल तक तो बढ़ाते गया इसको, इसके बाद फिर मैंने इसको डिक्लाइन कर दिया, तो यहां पर ये जीरो पे आ गया और ये माइनस फाइव में होगा, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। फिर आप इसको देखेंगे जब तक ये बढ़ रहा है तब तक तो ये भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो इसके बाद इसके बढ़ने की रेट कम है और यहां पर हाईएस्ट पॉइंट है इसका, यानी कि जहां पर ये मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है वहां पर ये टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट है। मैंने एक प्रोडक्शन का कर्व लिया, एक कर्व लिया और इसको ऐसा यहां पर ले गया मैं, उसके बाद डिक्लाइन कर दिया, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन जब जीरो है तब टोटल प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पर है, मार्जिनल प्रोडक्शन जब तक हाईएस्ट लेवल पर है तब तक वो उसकी बढ़ने की रेट, देखिए बढ़ने की रेट बिल्कुल ज्यादा है, फिर बढ़ने की रेट कम है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद वो डिक्लाइन हो रहा है, राइट।
तो ये फर्स्ट फेज हो गया, ये सेकंड फेज हो गया और ये थर्ड फेज हो गया, राइट। मार्जिनल प्रोडक्शन का नेचर आप देख लें, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्शन का नेचर कैसा है, एन शेप है, कि पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। आप आने वाले जो चैप्टर है कॉस्ट पढ़े आप, उसके अलावा प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर चल ही रहा है आप रेवेन्यू पढ़े, आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़े, सभी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट याद रखने लायक जो बात है वो यही है कि मार्जिनल प्रोडक्शन का नेचर कैसा है, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। इसके बेसिस पर आप पूरी टेबल बन जाएगी, ये ग्राफ भी बन जाएगा, सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। अब दो तीन क्वेश्चन की हमारे बात रही, पहला क्वेश्चन लॉगरिथमिक प्रोडक्शन क्या है, ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन रिटर्न टू फैक्टर क्या है। देखिए जब से वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन में क्या चेंज आ रहा है तो उसको हम रिटर्न टू फैक्टर बोलेंगे। यदि हम दोनों को चेंज कर रहे हैं तो उसको रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। तो रिटर्न टू फैक्टर यानी कि लॉगरिथमिक प्रोपोर्शन ही है वो, दोनों बात बराबर है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, तो टीपी और एमपी में रिलेशनशिप है कि वेयर एमपी इज हाईएस्ट टीपी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, राइट। तो टीपी और एमपी में आप एक ग्राफ के थ्रू रिलेशनशिप बता देंगे और इस रिलेशनशिप बता देंगे। तो तीन क्वेश्चन थे, तीन क्वेश्चन का एक जवाब है और वो जवाब ये रहा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और एक और जरूरी बात ये कि आप, मेरे चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स विद एस के, इस साइड में एक फोटो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और जाके सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर कीजिए। आपको करना चाहिए, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए आपको। और इस साइड में एक और फोटो आ रहा होगा जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो पर नहीं होगा। खैर, थैंक यू वेरी मच।